गौतम बुद्ध की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य प्रवचन सुनने के लिए एक साथ इकट्ठा हो गए थे। कुछ देर बाद महात्मा बुद्ध अपने हाथ में एक रस्सी लेकर आए। बुद्ध के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्य को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्य से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि बुद्ध, इसका उत्तर थोड़ा सा मुश्किल है, ये हमारे देखने के तरीके पर भी निर्भर करता है। एक तरह से तो ये वही रस्सी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं, जो कि पहले वास्तव में नहीं थी, इसे बदला हुआ भी कहा जा सकता है। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हो, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठों को खोला जा सकता है। सभी शिष्यों ने कहा कि ऐसा करने से गांठें और ज्यादा कस जाएंगी और इन्हें खोलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। शिष्य ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम ये जान सके कि इसे कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठों को आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही, इसी तरह हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने उनका हल खोजने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह आपको समझ में आ जाती है, तो आप उन समस्याओं का समाधान भी आसानी से ढूंढ लेते हो। दोस्तों, अगर हम लोग भी अपनी लाइफ में देखें, तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं होती रहती हैं, और हम बिना ये जाने कि आखिर इन समस्याओं के पीछे कारण क्या है और ये समस्याएं आखिर क्यों पैदा हुई, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं और आखिरकार हम उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन समस्याओं को बिना जाने हम कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अगर आप किसी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाओ या कोई ऐसी समस्या में फंस जाओ जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है या कोई आपकी सहायता नहीं कर पा रहा है, तो ठंडे दिमाग से अगर बैठकर आप ये सोचने की कोशिश करो कि आखिर उन समस्याओं का कारण क्या है, वो समस्याएं आखिर कैसे पैदा हुई, तो आप स्वयं उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हो।